तो स्वदेश बीजगणित में जो वेक्टर चैप्टर चल रहा था, ठीक ना, फर्स्ट पार्ट हमने बना के वीडियो डाल दिया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ बोला था कि टॉपिक अगले वीडियो में डालें, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज का, मैंने उसी इंट्रोडक्शन पार्ट का ही ये भी पार्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है, अगला क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। थोड़ा समझिए क्या होता है लंबवत इकाई सदिश का मतलब ना, कि जैसे तीन त्रिभुज अगर आई और जे के होते हैं ना, कितना होता है लंबवत इकाई सदिश, आई जे और ये क्या होते हैं, के। तो लंबवत होने का मतलब कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, समझिएगा। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आई, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा जे, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा के। इनके बीच का कोण 90 अंश, इनके बीच का कोण और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90। तो जो लंबवत इकाई सदिश का मतलब क्या होता है, कि ऐसे इकाई, ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है 1, यानी मॉड आई मॉड जे इसका विमान कितना होगा 1, और मॉड कैप के का विमान कितना होता है 1। ध्यान समझिएगा, हमने बोला कि लंबवत सदिश, लंबवत इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है 1, और परिमाण को कैसे दिखाते हैं मॉड में। तो मॉड में आई का मान कितना होगा 1, मॉड में जे का विमान 1, मॉड में के का विमान कितना हो जाएगा 1। कहानी अभी समझ में। इसके बाद आपका होता है दिक्कोजिया। अगला समझिएगा, दिक्कोजिया। दिक्कोजिया क्या होता है, भाई मिटा दे, थोड़ा सा लिखते चलिएगा, ठीक है। अगला क्या होता है दिक्कोजिया, दिक्कोजिया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए दिक्कोजिया का मतलब क्या होता है, और समझिएगा कि जो भी लंबवत इकाई सदिश होते हैं ना, मान लीजिए कि हाई वाला एंगल कितना हो गया अल्फा, हाई वाला एंगल कितना हो गया, मान लीजिए कितना हो गया बीटा, हाई वाला एंगल कितना हो गया गामा, ठीक है। तो अगर हम इनके साथ इस अल्फा के साथ कितना लगा दे कास, तो कितना बना लेगा कास अल्फा। इस बीटा के साथ कितना लगा दे कास, तो कितना हो जाएगा कास बीटा। और इस गामा के साथ कितना लगा दे कास, तो कितना हो जाएगा कास गामा। तो जो ये कास अल्फा कास बीटा कास गामा आ रहा है, इसी को बोलते हैं दिक्कोजिया। कोसाइन का मतलब होता है कास, ठीक है ना। यानी जो भी लंबवत इकाई सदिश जो भी अक्षों से जितना कोण बनाते हैं उनके कोसाइन को यानी कोजिया को ही क्या बोलते हैं, दिक्कोजिया, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं, तो एल से दिखाते हैं। एल इसको देखिए, ये वाला एल से दिखा दीजिए, ये पहला एल, ये कैसे दिखाएंगे एम, और ये कैसे दिखाते हैं एन से, ठीक है। यानी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा, एल इक्वल टू कास अल्फा, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा कास बीटा, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा कास गामा। कहानी आ रही समझ में। उसके बाद फार्मूला निकालते कैसे है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें और एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। यानी एल की वैल्यू कितना है कास अल्फा, तो यानी कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा और प्लस कास स्क्वायर गामा, इसका विमान कितना होगा 1। ये तो फार्मूला की बात हो गई, ठीक है ना। अगर हमको किसी वेक्टर का यानी सदिश का अगर हमको दिक्कोजिया निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, अब समझिएगा। अगर हम इसके दिक्कोजिया की बात करते कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कोनो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे और प्लस जेड कैप के, ठीक है। अगर हमको दिक्कोजिया निकालना होगा तो हमने उस फार्मूले में बताया था कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉड अगर ए की बात करें यानी मापांक की बात करें तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना होता है जेड स्क्वायर। कहानी यहां तक उस वीडियो में हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हमने बोलता है उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो सदिश कितना हो गया एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस कितना हो गया जेड के, और इसका मापांक कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। कहानी जल्द समझ में आ रही है। अब वो समझिएगा, हम बोले कि कैप ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको अलग अलग बटा लिखिएगा। देखिए ये हो जाएगा एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आई, प्लस वाई के बटा लिखेंगे तो वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा जी, और प्लस कि ये वाला कितना हो जाएगा जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कितना हो गया के। अब समझिएगा, हमने बोला कि सबसे पहले इकाई सदिश निकाला, बटे में लिख दिए इसको, बटे में लिख करके एक्स के बटा में इतना, वाई के बटा में इतना और जेड के बटा में इतना लिख दिया, ठीक है। आई जे के का गुणांक अलग अलग कर ले, ठीक। अब समझिएगा,
जीवन में बोला भाई आई का गुणांक जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, जो जे का गुणांक दिख रहा है और जो के का गुणांक दिख रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं, दिक कोजिया। यानी एल ये क्या कहलाता है, एम, और ये क्या कहलाता है, एन। कहा नहीं समझ में, इसको मिटा दें हम थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर हम एल एम एन से प्रदर्शित कर दिए उसको, अगर तो बोलिएगा एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब समझिएगा, हमने उसमें रिलेशन बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है, वन। तो बोलिएगा अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का मान पूछे तो थोड़ा समझिएगा, आप डायरेक्टली हम लिखेंगे, बोलिएगा जब इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, इसका मतलब कि रूट हट जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा, जेड स्क्वायर। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो वाई ऊपर का वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और सेम नीचे वाले का तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और नीचे कितना बच जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाला कट के कितना बना लेगा आपका, वन। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, कहानी आ रही समझ में। तो हमने बताया कि दिक कोजिया क्या होता है, कि जो भी डायरेक्शन को साइन होता है, माने कि जो भी अक्षों के साथ कोण के कोजिया को ही क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, ठीक है। इसको एल एम एन से भी प्रदर्शित करते हैं, एल की वैल्यू कितना होती है कास अल्फा, एम की वैल्यू कास बीटा, एन की वैल्यू कास गामा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर उसका मान निकालने के लिए बोलते हैं तो उस सदिश का सबसे पहले इकाई सदिश निकालते हैं, और इकाई सदिश निकाल करके उसमें हम क्या करते हैं कि उनका जो भी गुणांक आई जे और के का होता है उसको अलग अलग कर देते हैं, और जो एक्स का गुणांक आई का गुणांक होता है वो एल के बराबर, जो जे का गुणांक होता है के बराबर, और जो के का गुणांक होता है वो एन के बराबर, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। ले आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ये थ्योरी लिखिए, उसके बाद आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू दे दिया टू आई प्लस तीन जे और प्लस चार कैप की, ठीक है। बोल दिया कि क्या निकालिए, दिक कोजिया निकालिए, दिक कोजिया यानी डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और दिक कोजिया कैसे दिखाते हैं, एल कामा एम कामा एन, माने इसका हमको मान निकालना है, बोलिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड की बात मपान की बात कर लें, तो मॉड प्लस कितना हो जाएगा, मॉड ए इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, और चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह। बोलिएगा मॉड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में नौ चार तेरह, और तेरह दो छब्बीस, तीन कितना हो जाएगा, उनतालीस। इसका मतलब कि मान पांच ए का मान कितना हो गया, अंडर रूट उनतालीस, ठीक है। अब इकाई सदिश का फार्मूला क्या होता है, कि भाई किसी भी सदिश का अगर हमको यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश निकालना है तो उस सदिश में उसके क्या करते हैं, मापांक से भाग देते हैं। बोलिए कितना होगा, सदिश का मान कितना है, टू आई प्लस तीन जे और प्लस फोर कैप के, और बटा में कितना हो जाएगा, और मैड ए का मान कितना है, अंडर रूट उनतालीस, ठीक। अलग अलग बटा करते हैं ना आई जे के गुणांक का, तो बोलिए कितना हो जाएगा, कैप ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा दो बटा अंडर रूट उनतालीस इंटू आई, ऐसे ही बोलिए तीन बटा अंडर रूट उनतालीस इंटू कितना हो जाएगा जे, और ये कितना हो जाएगा चार बटा अंडर रूट उनतालीस और इंटू कितना हो जाएगा कैप के, ठीक है। अब समझिएगा भाई, हमने गुणांक जो अलग अलग लिख दिया तो जो भी आई का गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, एल के बराबर, जे का गुणांक किसके बराबर, के के बराबर, और के का गुणांक किसके बराबर होता है, एन के बराबर। तो बोलिएगा जब मान लिखेंगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा, दो बटा अंडर रूट उनतालीस, जे के एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम का मान तीन बटा अंडर रूट उनतालीस, और एन का मान कितना हो जाएगा, चार बटा अंडर रूट उनतालीस, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कास अल्फा कास बीटा और ये कितना हो जाएगा, कास, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको थ्योरी ये समझ में आई होगी, ठीक है। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिल्कुल जितना थ्योरी बताएं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि पूरे थ्योरी से कहीं बाहर जाएगा। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा
आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसके वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप कमेंट करिए और हम वहाँ पे वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए थ्योरी तो बताने में ही दो वीडियो लग जा रहा है, अब क्वेश्चन लाइन वाले में बताएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस प्लीज कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, हम उस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। कौन दिक्कत, आगे बढ़े, अब समझिएगा। अगला जो होता है, देखिए पहले एक्सरसाइज का थ्योरी हमने समाप्त कर दिया, ठीक। अब अगला होता है सदिश गुणन, माने अदिश गुणन, और उसके बाद है सदिश गुणन, उसके बाद ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। माने और चार को चैप्टर है, तो ट्रिपल डॉट और क्रॉस तो आता नहीं है लेकिन हम पढ़ा देंगे दोनों को, ठीक। तो इतना को नोट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल हाई हो और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, उसी उत्साह और मन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान ख्याल रखें।